Hello everyone. After group theory, I am taking the next topic, stereochemistry. Stereochemistry is very useful and mostly asked topic in all the competition exams. So I choose this. The very basic concept is stereochemistry is stereoisomer. कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो स्टीरियो केमिस्ट्री का बेस है, जिसमें से फर्स्ट है स्टीरियो आइसोमर. स्टीरियो आइसोमर आर द आइसोमर विच हैव द डिफरेंट रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके एटम्स, सॉरी एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. स्टीरियो आइसोमर दो टाइप के होते हैं, ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल. जो ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, ओके. और ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर का मेन कैरेक्टर पॉइंट है कि ये एसिमेट्रिक होंगे, ओके. और जो जियोमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर है वो रोटेशन के रेस्ट्रिक्शन की वजह से क्रिएट होते हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन, मतलब इनमें फ्री रोटेशन नहीं हो पाता है, इसलिए ये स्टीरियो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हैं. और ऑप्टिकल आइसोमर्स एसिमेट्रिक होते हैं. एसिमेट्री दो टाइप की हो सकती है, या तो मॉलिक्यूल्स एसिमेट्री हो जिसमें कि कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, मतलब सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होना चाहिए. सेकंड, या तो आपका जो एटम है वो ही एसिमेट्रिक हो, एसिमेट्रिक एटम, ऐसा एटम जिसकी सभी वैलेंसी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप या अलग अलग एटम से फुलफिल होती है, उसे बोलते हैं एसिमेट्रिक एटम, और या फिर बोलते हैं काइरल एटम, और इसे स्टार से इंडिकेट करते हैं, ओके. जिसे क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे इसलिए इसे बोलेंगे काइरल कार्बन, ओके. सो इन द स्टीरियो आइसोमर देर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमर, ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल. ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द एसिमेट्रिक एंड द जियोमेट्रिकल आर ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन. द एसिमेट्रिक एसिमेट्री इज टू टाइप्स, फर्स्ट इज एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स एंड द सेकेंड इज इज प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक एटम. सेकेंड थिंग इज कि ऑप्टिकल एक्ट, जितने भी ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर है वो मिरर इमेज शो करते हैं जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है, जैसे कि इस मॉलिक्यूल की अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो ये दोनों मिरर इमेज आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर सीधी नहीं रखी जा सकती, इसलिए ये दोनों ये मॉलिक्यूल होगा ऑप्टिकली एक्टिव, ओके. और ये काइरल कार्बन काइरल एटम द्वारा ही शो किया जाता है, इसलिए काइरलिटी इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी, ओके. फॉर द ऑप्टिकल एक्टिव काइरल कार्बन्स, फॉर द काइरल कार्बन वी यूज द नोमेनक्लेचर आर एस नोमेनक्लेचर. द आर एस नोमेनक्लेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इन द एग्जामिनेशंस एवरी ईयर, एवरी टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जाम, ओके. सो आई स्टार्ट विद दिस आर एस नोमेनक्लेचर. For this is only for the is chiral carbon, chiral carbon or due to the chirality, okay. The chirality due to the asymmetric atom or the chiral axis or chiral plane, which I will discuss, okay. So first of all, in RS nomenclature, the RS mean R meaning is the rotation in right direction. ओके एंड द एस मीनिंग इज द रोटेशन इज लेफ्ट डायरेक्शन, ओके. सो इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ काइरल कार्बन,
such type of representation. This representation is called the flying wedge representation. Flying wedge representation में किन्हीं भी दो वैलेंसी को बिलो द प्लेन एंड अबोव द प्लेन रिप्रेजेंट किया जाता है एंड अदर टू वैलेंसी को प्लेन के अंदर ही शो करते हैं. इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन में जब आप किसी भी काइरल कार्बन का RS नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस को अरेंज करना पड़ेगा. प्रायोरिटी का जो सीक्वेंस है वो कुछ इस टाइप से है. सो दिस इज़ द सीक्वेंस. दिस इज द आयोडीन विल बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड हाइड्रोजन इज़ द लोएस्ट प्रायोरिटी एटम. ओके सो सी द एग्जांपल. इन दिस एग्जांपल द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी टू हाइड्रोक्सी ग्रुप. ओके सेकेंड विल बी कार्बोक्सिलिक, थर्ड टू मेथिल एंड फोर्थ टू द हाइड्रोजन. अब फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन का रूल है कि अगर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला एटम, ओके, यानी कि हाइड्रोजन, इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन यानी लोएस्ट प्रायोरिटी वाला एटम अगर बिलो द प्लेन है, यानी डैश लाइन से रिप्रेजेंट है, देन आपको हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की ओर जाना है. और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो R, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो S. ओके और अगर आपका हाइड्रोजन अब बिलो द प्लेन ना होके किसी अदर पोजीशन पे है तो आपको उसको इंटर कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब इंटर कन्वर्जन के लिए आपको देखना है कि अगर आपको चेंज दो बारी करना पड़ता है, मतलब अगर हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होता, ओके, और यहाँ पे मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होता, तो आपको वन एंड टू टू टाइम चेंज करना पड़ता. इस कंडीशन में भी आपको जो रोटेशन मिल रहा है, मतलब आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही देख लीजिए कि आपको जो रोटेशन मिल रहा है वही उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा. मतलब R मिल रहा है तो R, S मिल रहा है तो S. बट अगर बिलो द प्लेन के पास वाली पोजीशन में, जहाँ से आपको बिलो द प्लेन ले जाने के लिए एक बारी चेंज करना पड़ रहा है, वन टाइम चेंज, सो द रोटेशन यू गेट इज द अपोजिट. ओके अगर आपको R मिल रहा है तो आपको, और अगर हाइड्रोजन बिलो द प्लेन नहीं है और इसके पास वाली पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो आपको जो कॉन्फिग्रेशन मिल रहा है उसको आपको इन्वर्जन करना है. ओके अगर वन टाइम चेंज है तो आपको इन्वर्जन करना है कॉन्फ़िगरेशन में. ओके इस मॉलिक्यूल में क्योंकि हाइड्रोजन पहले से बिलो द प्लेन है इसलिए वन टू एंड थ्री, सो द रोटेशन इज क्लॉकवाइज R. ओके नाउ इन द सेकेंड एग्जांपल अगर हम प्रायोरिटी देंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी एमिनो ग्रुप को, वन टू थ्री एंड फोर. रोटेशन देखेंगे वन टू थ्री, सो यहाँ पे हमें रोटेशन मिल रहा है क्लॉकवाइज R. बट अगर देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन अबोव द प्लेन है यानी कि बिलो द प्लेन प्रेजेंट नहीं है. सो हमें बिलो द प्लेन ले जाने के लिए हमें वन टाइम चेंज करना पड़ेगा. सो वन टाइम चेंज के लिए अगर हमें R मिल रहा है तो हमें उसका अपोजिट करना है. सो द कॉन्फिग्रेशन विल बी S. ओके द आंसर इज S. तो अगर टू टाइम चेंज है देन रिटेंशन, वन टाइम चेंज है देन इन्वर्जन. ओके और अगर ऑलरेडी बिलो द प्लेन है देन नो, देन नॉट द इन्वर्जन एंड ओनली रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन. ओके ये हुआ फ्लाइंग वेज के लिए. अगर अब सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन फिशर रिप्रेजेंटेशन से भी मॉलिक्यूल दिया जा सकता है और उसका RS नोमेनक्लेचर पूछा जा सकता है. सो इस टाइप से अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया है और दोनों ही यहाँ पे काइरल कार्बन है और इनका कॉन्फ़िगरेशन पूछा है कि R है या S, तो फिशर रिप्रेजेंटेशन के लिए रूल होगा कि अगर आपका हाइड्रोजन यानी कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी का एटम है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ये सीधी लाइन, इस लाइन पे है, देन आपको
इन्वर्जन करना है, जो आपका कॉन्फिग्रेशन आ रहा है उसका जस्ट अपोजिट। और अगर ये वर्टिकल लाइन पे है, यानी कि इस टाइप से है, यहाँ पे इस लाइन पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देन आपको डिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन रखना है, यानी आपको जो कॉन्फिग्रेशन मिल रहा है वही रखना है। सो स्टार्ट विद दिस। अगर हम फर्स्ट नंबर कार्बन की बात करें, C1, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप की है, और इस पूरे ग्रुप को मैं नाम दे रही हूँ ए। ओके ओके, सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे 1, 2, 3 एंड 4। अगर हम सीधा देखें कि हमको क्या कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, तो 1, 2 एंड 3 हमें कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है एस। बट अब हमें देखना है कि हाइड्रोजन यानी लोएस्ट प्रायोरिटी एटम कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। यानी अगर हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है तो हमें करना है इन्वर्जन, और अगर हाइड्रोजन वर्टिकल पे है तो हमें करना है रिटेंशन। तो हमें हाइड्रोजन को कहाँ लाना है, वर्टिकल पोजीशन पे लाना है। वर्टिकल पोजीशन पे लाने के लिए हमें वन टाइम चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हमें, क्योंकि हमें सीधा इन्वर्जन ही करना है, हमें एस मिल रहा है तो हमें इसका कॉन्फिग्रेशन अपोजिट यानी आर करना है। सो द फर्स्ट कार्बन एटम हैज़ द क्लॉकवाइज रोटेशन आर। इसी टाइप से C2 कार्बन के लिए मैं ऊपर वाले ग्रुप को भी नाम दे रही हूँ बी। इसकी फिशर रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप से है, और नंबरिंग देती हूँ 1, 2, 3 एंड 4 1, 2, 3। हाइड्रोजन की पोजीशन हॉरिजॉन्टल लाइन में है, सो द इन्वर्जन, हमें यहाँ पे रोटेशन मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज यानी एस, एस का अपोजिट हुआ आर। सो यहाँ पे C2 कार्बन का भी रोटेशन होगा आर। इस टाइप से निकालते हैं फिशर प्रोजेक्शन का आर एस नॉमेनक्लेचर। अब मैं कुछ एग्जाम